और उनके तमाम स्मृति ईरानी चूड़ियां लेकर घूमा करती थी, आज वो चूड़ियां कम पड़ गई क्या? स्मृति ईरानी जी, आप जितनी चूड़ियां भेज सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए भेजिए, मैं आपको चूड़ी प्रोवाइड कराऊंगा। आज क्यों नहीं बोलती? 2 रुपए कहेंगे तो देखो साइकिल चाहिए, 2 मिनट में हवा मिठाई बना के कहेंगे ये साइकिल है, कहो कार चाहिए तुरंत कार बना के दिखा देंगे। मतलब हर चीज बोलने में इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, इनके पास जादू की छड़ी थी। भारत है माँ बहनों के आंखों के आंसू नहीं देखे जाते, आप तो खून के आंसू रुलवा दिया मोदी जी। लगता ही नहीं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अरे खबर भी ऐसी आती है, आज प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे। अरे भैया तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, घर नहीं लौटेंगे तो कहाँ लौटेंगे? क्या भगवान राम कहते हैं कि पेटों पर ड्राम गिरा दो? जिन लोगों ने, गरीबों ने 2-2 रुपया 4-4 रुपया करके जमा किया है, वो पैसों का हिसाब कौन देगा? भाजपा के लोग बताएंगे? अब CBI की भारत माँ रो रही है, कोना कोना जर्रा जर्रा बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री तो बचपन से अभिनय के मास्टर हैं, झूठ बोलने के मास्टर हैं। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट और 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक झूठ पकड़िएगा, खुजलाइएगा, तब तक दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ। दिग्विजय, ये मायावी लोग हैं क्या? जैसे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को सुनने की शक्ति खत्म हो गई। देखिए, देश को चलाना है तो राजनीति चाहिए, अगर पेट को चलाना है तो रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार की अगर हम बात करें तो वो काफी कम हो चुका है। लेकिन जहाँ पर जनता को महंगाई की मार जरूर खानी पड़ रही है, देखिए महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं या फिर कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनको ऐसा लगता है कि महंगाई देश में बिल्कुल भी नहीं है बल्कि देश का विकास हो चुका है। अभी इस समय हमारे साथ में पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर महंगाई के इस लुफ्त को वो किस तरीके से उठा रहे हैं। सर आप बताइए कि महंगाई आपको देश में है या नहीं, क्या लगता है? बिल्कुल विकास हुआ है, जो महंगाई डाइन खा रही थी अब वो महंगाई भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गई, यही तो विकास है। सवाल उठता है, आपने बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी जो प्रधानमंत्री भाइयों बहनों मित्रों हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार खोना पड़ा है सिर्फ इसी अभी जुलाई तक, तो प्रधानमंत्री उस पर चर्चा नहीं करते। प्रधानमंत्री महंगाई पर कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, प्रधानमंत्री ने महंगाई पर चर्चा नहीं की, प्रधानमंत्री महंगाई का मौन नहीं बोल पाते। तो नरेंद्र मोदी जी, आज आप महंगाई पर मौ क्यों नहीं बोल पाते? क्या आपको औसे ज्ञातक का ज्ञान नहीं है? जो प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम स्मृति ईरानी चूड़ियां लेकर घूमा करती थी, आज वो चूड़ियां कम पड़ गई क्या? स्मृति ईरानी जी, आप बताइए, अगर आप चूड़ियां कम पड़ गई हो तो मैं, आप जितनी चूड़ियां भेज सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए भेजिए, मैं आपको चूड़ी प्रोवाइड कराऊंगा। आज क्यों नहीं बोलती? सवाल उठता है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार कहने वाले वो तमाम लोग जिन लोगों ने 8 साल पहले रामलीला मैदान में एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत, एक प्रयोग के तहत देश को लूटने की कोशिश की, आज उसी लूट खसोट का नतीजा है कि भारत हर मोर्चे पर विफल है। सबसे बड़ा बात, जो अर्थव्यवस्था की बात की जाती थी, आज सिर्फ देखिएगा हेडलाइन मैनेज है बीजेपी के लिए, लेकिन जब आप देखिएगा अर्थव्यवस्था मिसमैनेजमेंट का शिकार हो रखा है, मिसमैनेजमेंट का शिकार है, जिसके कारण आज गर्त में चला गया। जिस रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात थी, 8 साल में मोदी जी ने भूटान के समकक्ष लाकर कर दिया रुपया की वैल्यू, और भूटान के रुपया की वैल्यू सब बराबर कर दिया। प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पर, महंगाई पर, सरहदों की सुरक्षा पर, देश में अमन भाईचारे पर एक बार भी नहीं बोलते। जो आदमी 2012-13-14 में चीखता था, चिल्लाता था, वो आदमी 2022 में गूंगा और बहरा हो गया। जैसे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को सुनने की शक्ति खत्म हो गई, प्रधानमंत्री जी की सोचने की शक्ति खत्म हो गई, प्रधानमंत्री जी अब बोल नहीं पा रहे।
आज एलपीजी का दाम फिर से 50 रुपये बढ़ा दिया गया है, मतलब सिलेंडर ही एक मार्ग दिख रहा है क्या कि उसके ऊपर जितना हो सके उतना दाम बढ़ाया जाए और पैसा कमा लिया जाए? आप सिर्फ सिलेंडर पर क्यों जा रहे हैं? हाँ। ट्रेन के टिकटों का दाम कितना बढ़ा आप हमको बता दीजिए। जो सीनियर सिटीजनों के कॉन्सेशन मिलता था उसको खत्म कर दिया गया, तो ट्रेन के टिकटों में आप देखिएगा कितना बेतहाशा वृद्धि हुई, 225% से अधिक की वृद्धि हुई, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ गए। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें दाम नहीं बढ़ा? डायमंड पर कितना GST ले रहे हैं प्रधानमंत्री, वहीं अस्पताल में कितना GST है। तो ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री जी लगता ही नहीं है कि भारत के आवाम के लिए कुछ सोचते हैं, लगता ही नहीं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अरे खबर भी ऐसी आती है, आज प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे, अरे भैया तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, घर नहीं लौटेंगे तो कहाँ लौटेंगे? भारत के प्रधानमंत्री को देश की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए। हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST है और हॉस्पिटल रूम पर 5% GST है, डायमंड पर 1.5% GST है, अब तो आटा पर भी इन्होंने GST लगा दी। अब बताइए, डाटा और आटा दोनों महंगा कर दिया जी। अच्छा सिलेंडर को लेकर मैंने आपको कहा कि आज 50 रुपये उसमें वृद्धि की गई। देखिए सिलेंडर का दाम तो बढ़ा दिया गया, लेकिन एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये भी तो सफाई दी जाती है कि उज्ज्वला योजना से घर घर सिलेंडर पहुँचाया भी तो उसी की सरकार ने। बीजेपी के मोदिया बिंद की बीमारी जो हो रखा है जिसको कुछ नहीं दिखता है, ये सावरकर गोडसे जैसे देशद्रोही लोगों के जो ये हैं DNA वाले, उनको कुछ नहीं दिख रहा कि देश कहाँ जा रहा है। आप उनसे पूछिए, आप कह रहे हैं कि उसे उज्ज्वला योजना में, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए गए हुए सिलेंडर में रिफिलिंग कितने प्रतिशत हो रहा है, ये डाटा आप बता दीजिए। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो सारा पता होगा। 10% भी रिफिलिंग हो रहा है क्या? आप डाटा क्यों नहीं पेश करते कि किन किन लोगों को उज्ज्वला योजना में दिया, किन किन लोगों को अभी वो रिफिलिंग करा पा रहे? लोग पुनः पहले कहते थे भाइयों बहनों, मेरे माँ बहनों के आंखों के आंसू नहीं देखे जाते, आप तो खून के आंसू रुलवा दिया मोदी जी। हमको वही 2014 वाला भारत लौटा दीजिए जहाँ 400 रुपये की सिलेंडर मिलती थी, जहाँ 71 रुपये का पेट्रोल मिलता था, जहाँ 55.49 रुपये का डीजल मिलता था, जहाँ रुपये इज्जत के साथ जी रहा था, जहाँ भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, जहाँ हमारे देश में सभी वर्ग के लोग खुशहाल थे। आप हमको वही भारत लौटा दीजिए, हमको नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी। अभी अभी आपको भारत के लोग खुशहाल नजर नहीं आ रहे हैं? खुशहाल नजर आ रहे हैं आपको? आपको नजर आ रहे हैं? आप बताइए आपका व्यक्तित्व है ना दिख रहा। हर वर्ग के लोग परेशान हैं, ये सिर्फ अगर खुशहाल कोई नजर आता है तो भारत के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले जिनको दीमक ने खा गया, जो सरकार की दलाली में जितने मशगूल हो गए, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में उतना इनका असर गिर गया। हर चीज़ का फायदा इन्हीं को नजर आता है। अग्निवीर में फायदा है तो मीडिया के लोगों को समझ में आएगा, अग्निवीर के लोगों को समझ में आएगा। कृषि काला कानून आया, किसान को नहीं समझ में आया, इनको मीडिया के पत्रकारों को समझ में आ गया, भाजपा के अंधभक्तों को आ गया। CA NRC आया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। समझ में किसको आया? देश के मीडिया के लोगों को आया। लेकिन भाजपा सरकार तो ये कहती है कि जब भी कोई कानून लाई जाती है, योजना लाई जाती है, विपक्ष हमेशा तिलमिलाहट में ही रहता है, उसको लगता है कि गलती लेकर आई। ये सिर्फ कहकर कब तक नरेंद्र मोदी जी आप विपक्ष को गालियां देते रहेंगे? कब तक विपक्षी नेताओं को ED, IT, CBI का डर दिखाते रहेंगे? सवाल पूछता है भारत। 8 साल नरेंद्र मोदी जी के हो गए, जिस अभी नारायण राणे जी को पर आरोप लगाया जाता था जब कांग्रेस में थे, CBI ED छापा मारता था, आज वो जब BJP में आ गए तो मंत्री कैसे बने? आसाम के जो मुख्यमंत्री बने जब कांग्रेस में थे, जब उस पर शारदा घोटाले के आरोप लगते थे, CBI ED IT सब छापा मारता था, तो आसाम का मुख्यमंत्री कैसे बना? आप देख लीजिए बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा गरीब पेट काट के जो जमा पैसा किया गया था, क्या भगवान राम कहते हैं कि पेटों पर ड्राम गिरा दो? जो जिन लोगों ने, गरीबों ने 2-2 रुपया 4-4 रुपया करके जमा किया है, वो पैसों का हिसाब कौन देगा? भाजपा के लोग बताएंगे? अब CBI ED कहाँ है? लेकिन भगवान राम को ही तो देखा जा रहा है ना, भगवान राम को देखकर ही भाजपा बार बार सत्ता में आती है। नहीं, आपने रामायण देखी है? देखी है ना जी।
रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता, साधु का वेश नहीं लेता, तो क्या माँ सीता का अपहरण हो पाता? तो भाजपा अब कालनेमी राक्षस जिसने प्रभु श्री राम का नाम लिया, अगर वो भगवा नहीं पहनता तो क्या हनुमान जी को दिग्भ्रमित कर पाता? तो ये भाजपा आरएसएस के लोग हिंदू धर्म के नाम पर भगवा चोला पहनकर हिंदुओं को ठग रहे हैं, हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। इनका अभी देखिए भाजपा के आतंकी कनेक्शन देखिएगा, आज की बात नहीं है, एक बात बताइए इनका। देखिए तारिक मीर हथियारों का सप्लायर, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। ध्रुव सक्सेना जिसके शिवराज सिंह चौहान के साथ संबंध है, कैलाश विजय वर्गीय का राइट हैंड है, एटीएस ने कई उनके टेलीफोन टावर पकड़े। भाजपा आईटी और सोशल मीडिया का प्रभारी कौन? भाजपा का डीएसपी देवेंद्र सिंह। मामले की अगर जांच होती, दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया जा रहा था, उसी समय दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, दिल्ली जल रहा था, वह अगर आतंकवादी आने में कामयाब हो जाता, नहीं पकड़ा गया होता, तो दिल्ली में दूसरी पुलवामा जैसी घटना हो सकती थी। आज डीएसपी देवेंद्र सिंह बरी कैसे हो गया? किसने एनआईए को जांच करने से मना किया? तो ये सवाल, तमाम तरह के सवाल पूछे जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तरे भैया, 8 साल से आप क्या कर रहे? 8 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, और आपके तारीपार गृह मंत्री को भी जवाब देना होगा। मतलब प्रधानमंत्री की छवि को समझ नहीं पाया जा सकता? प्रधानमंत्री की छवि सबको समझ में आता है। प्रधानमंत्री नाकाबिल आदमी है, प्रधानमंत्री एक अच्छे बच्चे नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री जी एक अच्छा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जब गुजरात में थे तो गुजरात जल रहा था, आज प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको मौका मिला था अपने ऊपर लगे हुए तमाम उन चीज़ों को जो उनकी बुराइयों को इंगित करता है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि न एयर इंडिया बिकने देते, न रेल बिकने देते, न सेल बिकने देते, न भेल बिकने देते। ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ बना ही नहीं, तो भैया जो बेच रहे तो कहाँ से लाया है, बताइए ना। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बचपन से अभिनय के मास्टर हैं, झूठ बोलने के मास्टर हैं। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, और 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक झूठ पकड़िएगा, खुजलाइएगा, तब तक दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ। दिग्विभ्रमित ये मायावी लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा रामायण महाभारत में मायावी लोग होते थे, जादूगर। ये जो चीज़ 2 रुपये कहेंगे तुरंत, देखो साइकिल चाहिए, 2 मिनट में हवा मिठाई बना के कहेंगे ये साइकिल है, कहा वो कार चाहिए, तुरंत कार बना के दिखा देंगे। मतलब हर चीज़ बोलने में इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, इनके पास जादू की छड़ी थी, भारत की हर समस्या का समाधान था। आज वो आदमी भारत के लिए खुद इतना बड़ा समस्या बन गया कि भारत माँ रो रही है, कोना कोना जर्रा जर्रा बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री की नज़रें भारत के हर एक उन संपत्तियों पर हैं, सबके सब संपत्ति अपने अडानी और अंबानी को बेच देना चाहते हैं। तो ये देख रहे थे आप पंकज श्रीवास्तव जी के साथ खास बातचीत, जहां पर महंगाई का दौर तो लगातार बना हुआ है, लेकिन महंगाई को कहीं ना कहीं पर अच्छा खामियाजा भी देखने को मिल रहा है। आखिर महंगाई को अच्छा समझने वाले वो कौन से लोग हैं जो इस देश में महंगाई का भी आज समर्थन कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्या महंगाई के मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि देश में वाकई महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है या फिर नहीं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।